गले में खर 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 खर, गले में क्या बोला था, गले में खींच खींच हो गया ना, ऐसा बुला रहे थे अंकल जी की लड़की है ये, खुशी मेरी बहन। चलो देखते हैं गर्म हुआ कि नहीं, इसको चेक करने के लिए बंद करना पड़ता है, क्या पता करंट। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। वहाँ सामने गुड्डू चढ़ के लौकी तोड़ रहा है। धान पीट रही है, कैसे यही वाला धान पीटा जा रहा है, जगह खाली होगा तो दूसरा वाला भी पीटा जाएगा। बना हुआ था, खाना वाना नहीं बन रहा है क्योंकि वो लोग धान पीट रहे थे, इसलिए खाना नहीं बन रहा है। आए हैं तो अपने चाय को रखे हैं हीटर पे, हीटर पर रखने के बाद चालू किए हैं। हम सोचे चलो आज हम अपने हाथ से गर्म करके पी लेंगे। चलो देखते हैं गर्म हुआ कि नहीं, इसको चेक करने के लिए बंद करना पड़ता है, क्या पता करंट आ जाए। देखो लाल चाय ये लोग बना रहा है, इसका चाय कैसा है। तो गाइस अभी सुबह के 8:30 बज रहा है और हम अभी जा रहे हैं ट्यूबवेल पे, जा रहे हैं जो कल वाला गोबर भीगे थे तो वो खेत में का ना घास वास थोड़ा निकालना था, वहीं पे जा रहे। और उससे पहले हम जा रहे खुशी जी के घर। सब्सक्राइब वाली जो बहन है ना, सब्सक्राइब वाली क्या खुशी, चलो चलो। अच्छा बुला रहे थे अंकल जी की लड़की है ये, खुशी मेरी बहन। अभी जा रहे हैं चाचा जी के, जाएंगे फिर ट्यूबवेल पे। और अभी लाइट कट गई तो मम्मी देखो निकाल दिए, जो इसमें का गर्दा होता है ना वो निकाल दिए, अब बोरी में कसेगी, कसने के बाद इसको पंखे से ओसाना पड़ेगा। अभी आ चुके हैं चाचा जी के घर। चाचा जी का ना तबीयत खराब है, साइकिल से लेके जा रहे हैं, इनको लेके जा रहे हैं अभी दवा के लिए, इनका सीना दर्द कर रहा है। बाइक थी तो क्या किए कि चाचा की बाइक को लेके पहुंचा दिया खुशी के नाना जी के यहाँ। बाइक रहती तो बाइक से चले जाते हैं ना। बोलो खुशी, गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं ट्यूबवेल पे फिर से वापस घर आने के बाद, फिर जा रहे हैं धान का बोझ बांधने के लिए, जो बड़ा वाला खेत काट के बोझ अभी लेके आ गए ट्यूबवेल पे। बिटिया लोग आती है तो बिटिया लोगों को लेके बनवाएंगे और तब तक ये बैठ के गुर्री बनाते हैं। गुर्री तो बना दिए ये दोनों लोग, आके अभी रख रही है। हाँ सर जाए रखो, कर बाद देख लीजिए कितना सर जाए। आज मैं गुर्री बना रहा हूँ और ये दोनों लोग रख रही है। कुछ गुर्री कंप्लीट हो जाता है तो फिर मैं बांधने वाला काम करता हूँ, ये बस रखने वाला काम करती है। और चाचा जी को दवा लेने के बाद एकदम फिट हो गए, देखो बोझ वोझ ढोने के लिए जा रहे, मस्त हो गए एकदम। दोनों बंदरिया को लेके बोझ बनवाने के लिए आए हुए हैं, क्या करें। वैसे प्यास लग रहा था, पानी चाहिए था मेरे को, थोड़ा प्यास लग रहा था। गले में खर 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 खर, गले में क्या बोला था, गले में खींच खींच हो गया ना, खींच 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 जवान भी हो गया। तो पानी गर्म करने के लिए बोले शशिकलावा को, पता नहीं गर्म किया है कि नहीं किया है। अरे फटाफट रखना, ए रखना फटाफट। उधर बड़ी मम्मी मेरी बांध रही है बोझ, इधर ई और इधर भी बड़ी मम्मी, फिर उधर चाचा बड़ी मम्मी और इधर मैं। तो चलो अभी बांधा बांध, देखो ऐसे ऐसे रख रही है ना ये सब बोझ पे बोझ बोझ पे रख, ये ऐसे ऐसे पांजा रख रही है, एक है गुर्री पे जो बना के रखे हुए इतना सा, तो ऐसे ही रखी है तो हम बांधेंगे इसको। फाइनली हम लोग सब लोग कंप्लीट बोझ बांध के एकदम ख़त्म कर दिए, 5 मंडा बोझ बांधे हैं और अभी भी एक बीघे का बोझ बांधना है। हम लोग घर जा रहे हैं, मैं भी एक वो साइकिल पे बोझ ले लेता हूँ, शाम तक कम से कम 20 से 25 बोझ को ढोना है। 20-25 बोझ तो लेके चले जाएंगे, दो बोझ तो ऐसे ही चला जाएगा। मैं आ चुका हूँ घर पे और घर पे आने के बाद मोटा मेरे को काम करना है, ये तो खा छीटने वाला है। तो अभी घर पे आने के बाद यही धान का बोरा जो दिखाई दे रहा है, 5-6 बोरा दिखाई दे रहा है, ये पतला वाला चावल मतलब धान है और इसको चावल बन जाएगा, तो ये जब मशीन में पड़ेगा तो चावल बनेगा, नहीं पहले हाँ चावल ही बनेगा, बन के पक के नहीं ऐसे चावल बनेगा। तो इसको इसको साइड में रखना है और जो बता रहा था कि 20-25 बोझ लाना है तो उसी को अभी पीटना है मशीन से, तो अभी इसको हटाएंगे साइड में। मम्मी बता रही है कि कहीं साइड में लगाया जाए, तो उधर साइड में लगाने के लिए उधर जो खर पतवार सब्जी उब्जी बोया गया है, पता नहीं कौन सा सब्जी है, अभी फूल उल में तो लगाया, वैसे दिख गया सेम का सेम है वो, तो वहीं पे लगाने वाले हैं इस सभी बोरियों को। बोरी बिछा रहे तब तक हम ब्लॉग कर रहे हैं, अच्छा बोरी बिछ जाएगा तो इसको हटा देंगे यहाँ से, हट जाएगा तो फिर बोझ ढोने के लिए जाना है। और मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि मेरा गले में खिच खिच हो गया,
हाँ तो वो थोड़ा हाई स्पीड से पकड़ रहा है मेरी जान। तो चलो अभी बोरी बीच के हैं, इसके साइड से लगाते हैं धान के धान के बोरे को लगाते हैं, को लगाते इधर साइड में। तो अभी ये सब धान वन सब क्लीन हो जाएगा झाड़ झूर के, तो उसके बाद ये वाला धान को, ये मोटा वाला है तो इसको पीटा जाएगा, और इसको पीट के क्या करना है कि इसको सेल करना है, यही प्रॉब्लम है, मनी प्रॉब्लम। तो इसको सेल करने के लिए इसको आज जितना हो सके ढो देंगे, और आज पीट जाएगा तो कल सेल कर देंगे, आज कल नहीं हो सकता है परसों। अभी इधर भी लगा दिए पर्दा कि इधर से भी नहीं उड़ के जाएगा, उधर से तो हो ही गया, इधर से भी हो गया, अब एकदम मस्त हो गया। इससे पहले तो उड़ता ही जा रहा था, उड़ता ही जा रहा था, बर्बादी ही था, लेकिन अब एकदम परफेक्ट हो गया, मस्त एकदम। साइकिल के साथ आ चुके हैं बोझ ढोने के लिए। उधर देखो हमारी जो चमगादड़ बहने हैं, बिटिया रानी लोग ढो रही हैं, और इधर मेरा ब्रदर, मेरा भाई, मेरा यार नरे हथियार, ये दोनों लोग हम लोग साइकिल से ढोता है। उधर वो भाई का साइकिल है, तो इधर भाई का साइकिल है, इधर मेरा साइकिल है। मैं तो एकदम डायरेक्ट खेत में मिलने के उतार दिया कि चल भाई खेते से ढोएंगे आज डायरेक्ट, इसलिए क्योंकि यहाँ से सर पे लेके जाते हैं सड़क पे, तो सड़क पे सर में पड़ जाता है धान का एक एक कण होता है ना, तो अभी डायरेक्ट चलो इसी को लाद लाद के और ढो के एकदम कंप्लीट करते हैं मेरी जान। गाइस अभी पता चला घर आने के बाद लाइट कट गई है, तो मैं अभी हाथ गोड़ जस्ट अभी अभी धोया हूँ, लेकिन इधर तो लाइट है, लेकिन अदर कहीं घर में लाइट ही नहीं है। तो ये है जो बैटरी, अभी दिखाते हैं कहाँ से लाइन आ रही है। ये बैटरी है और ये लाइन देने वाला है चार्जिंग के लिए, इन्वर्टर इसको मैं बोल सकता हूँ। तो ये मेरे पास है जो लाइट कट जाने के बाद मैं इसको यूज करके अपना घर, लाइट कट जाने के बाद इस वाले से मैं अपने जो खाना बनता है उस वाले घर में रोशनी कर लेता हूँ। मम्मी खाना बना रही है, बस खाना के लिए उसको यूज करते हैं। उधर देखो चूल्हे पे मेरी छोटी बहन खाना बना रही है, और इधर मम्मी मरचा काटत है और काजी सब्जी है मम्मी, तो इधर भिंडी है, उधर लौकी है। तो आज एक आध दो जानों के लिए खाना कम बन रहा है, आज है भंडारा, तो हम जाने वाले हैं भंडारा में। भंडारा यानी कोई शादी किसी का है तो निमंत्रण है, वहीं पे जाना है के लिए खाना वाना बना रही।